नाव वी आर अप टू ड्यूर विनासाइनिस जो कि बहुत सारे हैं तो थोड़े हौसले से बैठने हैं ठीक है घबराना नहीं है ओके <laughs> okay. अच्छा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ड्यूरल साइनसिस होते क्या हैं तो वैसे ही तुम लोगों को इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ ड्यूरल साइनसिस हमने साइनसिस ऑफ लिवर भी पढ़े हैं साइनसिस ऑफ स्प्लीन भी पढ़े हैं तो साइनसिस बेसिकली कुछ टॉर्चूसी वजल्स को बोलते हैं जिनका डायमीटर आम वजल से ज़्यादा हो जिनकी वॉल थोड़ी इरेगुलर हो और उनके एंड्रोथीलोर सेल्स में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो ये तो बाकी का करैक्टरिस्टिक है लेकिन ब्रेन में साइनसिस में कोई गैप नहीं होगा कोई लीकी चैनल्स नहीं होगी बहुत ही टाइट जंक्शन के साथ इनके सेल्स आपस में थेरेंट होंगे और बैस और बस और बेसिकली इनका काम क्या होता है ड्यूरल सैनसिस का हम आगे देखते हैं ओके सो दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर सम फंक्शंस ऑफ़ ड्यूरल साइनसिस एक बात यह कि ये लाइन होती हैं वि है विद लाइन होती हैं विध एंडोथीलीम इनमें कोई मस्कुलर कोट नहीं होता इनमें कोई वॉल्वज़ नहीं होते ये ड्रेन करती हैं अच्छा फंक्शन का ये है कि अभी होती क्यों है तो ये बेसिकली आपके ब्रेन में से ब्लड को ना ड्रेन करती हैं इन योर ब्रेन ऑफ द नेक ठीक है ड्यूरल व्यूनल साइनसिस होती हैं जितना भी ब्लड है आपके ब्रेन का क्रियनल कैविटी का उनको ये इन्फीरियर जिगुलर वेन में ड्रेन करती हैं और इस तरह से आपका जो ब्रेन का विनस चैनल है वो कम्युनिकेट कर जाते हैं विद योर जनरल सर्कुलेशन ठीक है इसके अलावा ये एब्जॉर्ब भी करती हैं सी एस एफ थ्रू द एरेक्नॉड ग्रेनोलेशन टिशू अभी एरक्नॉइड ग्रेनोलेशन टिशू क्या होता है वो हम आगे जाकर एरक्नॉड के पोर्शन में पढ़ लेंगे तो फिलहाल इसको छोड़ दो बस ये याद रखो कि ये बेसिकली एक पाथवे है फॉर द रिटर्न ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम द फॉर द रिटर्न ऑफ सी एस एफ फ्राम द करेनियम और द करेनियल कैविटी इन टू द जनरल सर्कुलेशन ठीक है अब देखो यू गैज नो कि सी एस एफ आपके जो ब्लड है उसी की फ़िल्ट्रेशन से बन रहा था ठीक है तो अगर फ़िल्टर ही होता रहेगा ब्लड तो हमारा तो ब्लड सारा खत्म हो जाएगा तो बाय द वे ऑफ विनासाइनिस ऑफ दिस ड्यूरल विनासाइनिस आपका सी एस एफ बैक इन टू द ब्लड ड्रेन होता रहता है सो दैल हैबल अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी एज वेल अच्छा जी और सेकेंडली ब्लड भी आ जा रहा है तो ब्लड देखो ब्रेन डजेंट हैव एनी ए लम्फैटिक्स ये हमें मैम ने बताया था ब्रेन में कोई लम्फैटिक्स नहीं होते तो एक तरह से लम्फैटिक्स का काम भी आपके ड्यूरल ड्यूरोसाइनस नहीं करना है ठीक है ये बात भी याद रखना तो देखो ना ये सी एस एफ जब ड्रेन करते रहेंगे जब ब्लड को ड्रेन करते रहेंगे रहे, तो नया ब्लड आता रहेगा पुराने वाला जिसमें आपके कुछ बैक्टीरिया हैं कुछ वायरसेज हैं वो जाता रहेगा तो इन दिस वे इट हैज अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन फंक्शन एज वेल और बस ये जो लास्ट पॉइंट है फजूल है छोड़ो अच्छा जी तो हमने देखा कि जो ब्लड होगा ड्यूलो स में अल्टीमेटली ड्रेन होना इन द इंटरनल जेगुलर वेन इन द नेक राइट हेयर एंड कुछ मिजरी वेंस होते हैं एज अ टोल्ड यू कि वो कनेक्ट करते हैं वेन वेनोसाइनसिस को होता डिप्लोक वेंस होता स्कल मतलब ये एज अ कम्युनिकेटिंग वेंस होती हैं आगे देखते हैं अच्छा जी तो जो साइनस होते हैं जो ये वेजल्स होती हैं जो ये वेन्स होती हैं इनकी हमने क्लासिफिकेशन की हुई uh, है एंड एंड अनपेयर्ड साइनसिज एंड पेयर साइनसिज जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन और टू स्टडी दैम अनपेयर्ड सेवन है पेयर्ड एट हैं टेंशन नहीं लेनी मैं सारी पढ़ाऊंगी सारी दिखाऊंगी सारे सबकी लोकेशन आप लोगों को पता होगी ये ना एक गेम की तरह है पता है सैनसेज जितने भी हैं गेम इस तरह से यार आप लोगों को वो डॉट uh, वाली गेम ज़्यादा मैं बताती हूँ कैसी होती थी वो डॉट वाली गेम ये वैसा होता ना ऐसे uh, कुछ चल के ना रहा हाँ ऐसे चार 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 डोर्स होते थे ठीक है तो हमने उनको ऐसे मतलब कनेक्ट करना होता था और जो ज़्यादा कनेक्ट करके बॉक्स में फिर अपना नाम लिख देता था लाइक मैंने एफ लिखते ठीक थी, है तो ऐसे ना यूली गेम याद है ना आप लोगों को तो यार ये जो ड्यूरो साइंसिस हैं ना ये एग्जैक्टली exactly, uh, उस गेम की तरह है ठीक है आप बस ये समझ लो कि ये ड्यूरो सैनसेज बिल्कुल उस गेम की तरह है कि हमने बस डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना है एक डॉट नेक्स्ट डॉट के साथ कनेक्ट होगा नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगा तो ये सारी की सारी ड्यूरो सैनसेज ना एक नेटवर्क बनाया होता है एक डॉट्स का नेटवर्क होता है सब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो अब ना जो तो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ते हुए और आप लोगों को ये सारी ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे और आप लोगों को बिल्कुल ना फिंगर टिप्स होंगे साइनसिस दैट इज समथिंग आई कैन प्रॉमिस अच्छा पहले हम बात करते हैं अनपेयर साइनसिस है की और क्यों करते हैं पहले इनकी बात क्योंकि ये कम है दूसरी ज्यादा थी ठीक <laughs> है अच्छा इनका नाम याद कर लो मैं हमेशा नाम याद कराते तो नाम पता होंगे तो आगे आपका वो आपको समझ आएगा ना एक है सुपीरियर सर्जिटल साइनस एक है इंफीरियर सर्जिटल साइनस एक है स्ट्रेट साइनस एक है ऑसिपिटल साइनस एक है एंटीरियर इंटरकवर्नर साइनस एक है पोस्टीरियर इंटरकवर्नर साइनस और एक है बेसिलर वीनस प्लेक्सस अच्छा ये सात हैं ठीक है लेकिन है ही सात लेकिन इनको जब करने बैठोगे तो ये दो मिनट में हो जाएंगी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लो करतीमान ये अटैचमेंट किसकी थी फॉक् सारी ब्राई क्या इफ़ यू कैन रिकॉल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आप लोगों को फॉक सारी ब्राई ठीक है अगर नहीं अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखा हो फिर समझना ठीक है क्योंकि उसके बाद ही समझ में आ सकता है अच्छा ये आपका फॉक सारी ब्राई हो गया तो पूरी स्लाइड हीने लगी है अच्छा हाँ? <laughs> <laughs> ये आपका हाँ अच्छा ये फॉक्स ये फॉक सारी ब्राई ठीक है यू कैन याद क्या मसला इसके साथ दफॉज अच्छा ठीक है ये फॉक्साली ब्राइव और यहाँ पर ये जो जो ऑरेंज और वेजल रन कर रही है ना दिस वन दिस इज़ योर सुपेरियर सर्जिटल साइनस दिस होल इज़ योर सुपेर सैजल साइनस और ये वाला ये था आपका फिक्स मार्जिन ऑफ फॉक्स एलिब्राई और ये था आपका फ्री बॉर्डर ऑफ फॉक्स एलिब्राई तो फिक्स मार्जिन में रन करिए सुपरियर सेजटल साइनस और फ्री मार्जिन में रन करिए इन्फीरियर सेशल साइनस हो गया अच्छा और अभी जो इन्फीरियर सेचअल साइनस है ना ये कनेक्ट होती है विद द सुपेर सर्जिटल साइनस बाय द वे ऑफ दिस अनदर साइनस से हम बोलते हैं स्ट्रेट साइनस ठीक है तो सुपेरियर भी हो गया फिक्स बॉर्डर फॉक्स एलिब्राई में इन्फीरियर भी हो गया फ्री मार्जिन ऑफ फॉक्स फॉक्सर इब्राहम और स्ट्रेट भी हो गया जो कि बेसिकली अपनी इंफीरियर को सुपीरियर से कनेक्ट कर रही है एट द इंटरनल हॉस्पिटल प्रोट्यूबरेंस यहाँ पर ठीक है तो हमने तीन साइनस देख ली जो तीनों अनपेड हैं अच्छा इसमें आपको आ, दो और साइनस दिखाती हूँ ठीक है फर्स्ट वन इज योर सुपेयर स्पेशल साइनस जो कि पुरानी वाली ही है हमारी दिस वन इज योर इन्फीरियर स्पेशल साइनस ये भी पुरानी वाली है दिस वन इज योर स्ट्रेट साइनस अब जहाँ पर मिल रही है ना एट द इंटरनल हॉस्पिटल प्रोट्यूबरेंस ठीक है यहाँ से ना लेटरली दो और वर्जेज निकल रही हैं दिस वन एंड दिस वन हर ये हम लोग पेयरस आने से पढ़ेंगे लेकिन फिर बस माइंड में रखो कि दो निकल रही हैं यहाँ से ठीक है आ, ये पेयर एसले हम उनको आगे देखते हैं एंड दिस वन जो नीचे से ऊपर आ रही है ठीक है दिस आने से हॉस्पिटल साइनस जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंटरनल हॉस्पिटल क्रस्ट के ऊपर पड़ी होती है इन द फिक्सड फिक्स मार्जिन ऑफ फॉक्स एरबलाय अगर आपको थोड़ी देर पहले वाला लेक्चर याद हो तो ठीक है उसमें पड़ी होती है और सुपेयर होगी इनफेयर होगी स्ट्रेट होगी हॉस्पिटल होगी ट्रांसफर्स भी होगी पर हम आगे देखते हैं अच्छा फिर लोग बात करते हैं कवर्नर साइनस की अब कवर्नर साइनस क्या होता है एक सेकेंड कवर्नर साइनस नहीं गवर्नर साइनस हमने करना है उसमें आपके <coughs> पेयड वाले में क्योंकि कवरनेस साइनसेस दो होते हैं दिस वन एंड दिस वन अच्छा अगर आप लोगों ने मीडिया middle, uh, पढ़ा हुआ है ना वो मिडल क्रेनल फोसा तो उसमें मैंने ये सारा रीजन एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है वो नहीं देखा तो वो देख लो बेसिकली आपको जो आपको सारा ट्रस् का रीजन है उसके इर्द दो uh, बड़े बड़े सैनसेस पड़े होते हैं बड़े से क्योंकि हम लोग कवेरनेस का वर्ड बेसिकली किसी भी uh, बड़ी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ हैविंग अ हायर साइज बिग साइज़ ठीक है तो दिस वन इज़ योर कवेरनेस साइनस ठीक है और ये पेयड है ये हम पेयड में भी देखेंगे अगर इसको गेन ओके okay? और इन दोनों साइनसिस को जो कनेक्ट कर रहे हैं ना आपस में दिस वन एंड दिस वन दिस इज योर इंटर कवर्नस साइनसिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कवर्ननेस साइनस अच्छा ये लोग ये पेयर नहीं है दोनों ये अनपेयर्ड है ठीक है लेकिन मतलब क्योंकि एंटीरियर भी एक ही और पोस्टीरियर भी एक ही है तो इसको हमेशा हम लोग अनपेयर uh, साइनसिस में करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कवर्नस साइनस और ये दोनों हो गए आपके पेयड वाले कवर्नस साइनसिस ओके इधर नहीं ये बात करते हैं एक बसीलर प्लेक्सिस की जो कि हमने अनपेड में पढ़ा था तो ये प्लेक्सिस ऑफ वेन होता है जस्ट इनफेरियर टू योर डोरसन डोरसम अप हियर तो दिस इज योर बसीलर प्लेक्सिस ऑफ वेन्स ठीक है ये भी इसी के कम्पोनेंट अच्छे जो सारे से होते हैं ना आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ तो जो आपको ब्लड होता है वो फ्रीली फ्लो करा होता है फ्रॉम वन टू द अदर और एज आई टोल्ड यू कि जस्ट लाइक अ गेम ऑफ डोर्स ये आगे से आगे नेटवर्किंग करते रहते हैं तो अभी हम इन सबको इन दी एंड आपस में कनेक्ट भी करेंगे कि कैसे एक दूसरे में ड्रेन कर रहे होते हैं अच्छा यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बस ठीक है ये हो गया हमें बस उनको कवर्नर सैनसेस दिखाने थे और एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटर कवर्नर साइनस दिखाने थे और बसी फ्लैक्सिस दिखाना था ये हो गया आगे देखते हैं ओके okay, इसमें बहुत प्यारा नज़र आ रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कवर्नर इंटर कवर्नर सैनसेस ये दोनों जो बड़े बड़े हैं सलेट टर्सिया के साइड पे दिस टू आर योर यवर सैनिसज और ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक लाइन इनको कनेक्ट कर रहे हैं पसंद दैट इज़ यर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कवर्नर सैनिस अच्छा अब रह कौन कौन से गए हैं सुपीरियर भी हो गया इन फिर भी हो गया स्टेट भी हो गया हॉस्पिटल भी हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर इं, इंटर कमर साइनस भी हो गया और कबीलियर विनस्पेक्सिस भी हो गया तो आई बिलीव कि हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं ओके इट्स येट अनदर फोटो कि देखो आपके दो कमर साइनसिस और उनको कनेक्ट करते हुए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कमर ओके okay, तो आपका बेसिकली uh, आपका जो अनपेयर साइनसिस थे वो कम्पलीट हो चुके हैं एन वी आर गोइंग फॉर दी पेयर साइनसिस अच्छा पेयर्ड में आपके ट्रांसफर साइनसिस होते हैं सिगमोइड होते हैं कवर्नर्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी सुपीरियर पेट्रोजल इनफीरियर पेट्रोजल्स फिनो पर जो हमने पीछे देखा था जिसमें आपकी मिडल मेनन्जियलिय वेन भी ड्रेन कर रही थी इफ़ यू कैन रिकॉल और पेट्रोस कॉमस और मिडल मैनेजियल ठीक है अब इन सबको हम लोग एक बार देखते हैं अलग अलग अच्छा जी तो इसमें आप एज अ टोल्ड यू कि देखो एकदम नेटवर्क की तरह एकदम कनेक्ट हुआ है डॉट्स कनेक्ट करने हैं हमने आपस में तो दिस वन इज़ योर वंस अगेन सुपीरियर सेशल वेन या साइनस इनफीरियर सेशल साइनस इनको कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर जा रहा है आपका स्ट्रेट साइनस ओके एंड अच्छा मैंने बताया था कि दो वेन्स लेटरली मूव करती हैं पेड वेन्स होती हैं या पेड़ साइनिसज होते हैं दिस टू दिस वन एंड दिस वन दिस टू आर योर ट्रांसफर साइनिसेस ठीक है जो बेसिकली आपके ट्रांसफर्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं वही ट्रांसफर्स ग्रुप जो आई थिंक के एक अटैचमेंट साइड दिया रहा था तो दिक्स बॉर्डर ऑफ टेंटोरियम टंटोल सारी इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर देखो चीज़ों को ना कनेक्ट करना सीखो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो एसोसिएशन से याद रखता है अगर पीछे पीछे वो लोगों साथ चीज़ों को कनेक्ट करोगे तभी आप लोगों को अगली चीज़ें याद होंगी सो दिस इज द वे वी लर्न न्यू थिंग्स बाय कनेक्टिंग दम और बाय एसोसिएटिंग विद द प्रीवियस वन तो ठीक है अच्छा ट्रांसफर साइनस हो गए ठीक है और ट्रांसफर साइनस बेसिकली एट द लेवल ऑफ कन्फ्लुएंस प्रेजेंट अ कंफ्लुएंस ये होती है कि जहां पर चीज़ें मिलती हैं आपस में तो यहाँ पर देखो सुपीरियर भी मिल रही है जो इन्फीरियर वाली है वो भी आ, स्ट्रेट साइनस के जरिए मिल रही है ठीक है स्टेट का गया हाँ ये स्टेट साइनस ठीक है तो स्टेट्स वाले इनफील्ड वाली भी मिल रही है यहाँ पर आकर और आपकी ट्रांसफर्स भी दोनों साइड्स से मिल रही है नीचे से हॉस्पिटल भी आकर मिल तो रही है तो ये कन्फ्लूस रीजन होता है इसको हम लोग कन्फ्लुएंस कहते हैं इसका इन्फ्लुंस ऑफ वीनस साइनसिस अच्छा लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर आपके ट्रांसफर साइनसिस हैं ठीक है और ट्रांसफर साइनसिस ही आगे कॉन्टिन्यूस होकर एक एस शेप्ड साइनस बना देते हैं एंड दिस एस शेप्ड एरिया एडियज कॉलेज सिगमोर साइनस ठीक है तो सुपीरियर से नीचे लेटरली सुपीरियर से लेटरली कंटिन्यूस हुई आपकी ट्रांसफर uh, साइनसिस और ट्रांसफर साइनसिस आगे फर्दर प्रोसीड दिकमर साइनसिस तो, तो फ़िलहाल बस आप ये याद रखो ठीक है आगे आगे देखते हैं सर सीट अनदर गुड पिक्चर ऑफ द साइनसिस यू कैन सी दिस इज़ अ सुपीरियर सैजिटल दिस इज साइनस एंड इन्फीरियर को कन्फ्लुंस से कनेक्ट करते हुए यू हैवन स्ट्रेट साइनस जो एक बात याद रखना कि जहाँ पर इन्फीरियर सेचुअल साइनस कनेक्ट होती है ना विद द सेबरल वेन ग्रेट सेरेबरल वेन वहाँ पर बनती है स्ट्रेट साइनस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं पहले नहीं बताया तो अब देख लो यहाँ पर अच्छा शो हो रहा है बात की समझ आई है या नहीं आई जहाँ पर आपका इफीरियर सेचुअल साइनस कनेक्ट होता है विद द ग्रेट सेरेबरल वेन वहाँ पर बनता है स्ट्रेट साइनस और ये एट द लेवल ऑफ कन्फ्लुंस उसने आना है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन यही है ठीक है एज ए टोल ड्यूक इंफ्लुंस से आपके लेटरली दो वेजेज जाती हैं इन दिस वे इन द ट्रांसफर्स ग्रुप जो हमने देखे थे इन द पोस्टीरियर फोसा उसमें पड़े होते हैं आपके ट्रांसफर साइनस और ट्रांसफर साइनस ही इंफेरली प्रोसीड करके एस शेप्ड साइनस बनाते हैं हम बोलते हैं सिगमोइड साइनस जो कि आप यहाँ नजर आ रहा है और सिगमोइड साइनस ही नीचे आकर आपका इंटरनल जेगुलर वेन में आकर खत्म हो जाएगा ठीक है अच्छा एक तो केस ये है कि खत्म हो जाएगा इंटरनल वेन में और एक केस ये है कि ये आगे जाएगा टुवर्ड्स द टेरीगोर्ड प्लेक्सेस ठीक है अगर जगह टुवर्ड्स द टेरीगोर्ड प्लेक्सेस और टेरीगोर्ड प्लेक्सेस ही डायरेक्टली नहीं है, जाता है बाय द वे ऑफ कवर्नस साइनस जो हम पीछे देख के आ चुके हैं जो कि यहाँ कहीं पड़े होते हैं तो इट आप जो सिकमोर साइनस कनेक्ट होता है वे द कवर्नरस साइनसिस बाय द वे ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोजल साइनसिसट इट सिंक इन ओके यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका वो याद है आ, हमने सेलेक्ट्रसिका के लेवल पे बनाए थे दो कमर्नर साइनसिस लेफ्ट और राइट पे ठीक है जिनको आपस में इंटर कमर्नर साइनसिस ने कनेक्ट किया था हाँ बस वहीं तो जाना है इसने और आपका सिगमर साइनस को एज अ पाथवे देती है आपके सुपेरियर एंड इन्फीरियर पेट्रोजल नर्व्स यार पेट्रोजल नर्व्स के बोले सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेट्रोजल ठीक है वो जाते हैं यहाँ से यहाँ दो नजर आ रहे हैं और उसको बेसिकली उसने कंवर्नर साइनस में ड्रेन कराना है जो हम आगे देखते हैं ओके एज ए टोल्ड यू लाइक अ डॉट एंड क्रॉस गेम सब कुछ कनेक्टेड है आपस में ये सुपीरियर साइनस हो गया यह इन्फेरियर हो गया यह स्टेट साइनस हो गया ये दो जो देखो लेटरली मूव कर रहे हैं ट्रांसफर सैनसेस हो गए ट्रांसफर वालों ने सिगमोड बनाया ठीक है सिगमोड ने आगे गवर्नरस तक जाना गवर्नर से जाने के लिए दो सौ सड़कें चाहिए सड़कें होंगी सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस सिंपल ठीक है और ये देखो या तो ये नीचे जा सकता है इन द इंटरनल जगह जरूर डायरेक्टली या फिर आगे जाकर गवर्नर साइनस के जरिए जाएगा एट देंड ऑफ हो में वो हम आगे देखते हैं ओके येट अनदर फोटो जो आप देख सकते हो ना टू अंडरस्टैंड इट इसमें एक नया साइनस हम खुल गया एक नया खाता खुल गया दैट इज़ द स्फिनो पैराइटल साइनस कैसे अच्छा हमने हम इस लेवल तक तो लेकर आए हैं हमने हमने कहा था कि जो आपकी सिगमर साइनस है वहाँ से इनफीरियर और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ने ब्लड को ड्रेन किया था इन द कवर्नर साइनसेज ठीक है और कवर्ना साइनस ने आगे कहाँ जाना है उसका फाइनल डेस्टिनेशन है आपका टेडिकोड प्लेक्सेज ऑफ वेंस ठीक है जो कहाँ पर रहा हो तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ और ये जो वेजेस है ना ये जो बेसिकली उसको ड्रेन करा रहे हैं इन द इफेयर टेरिगोड सॉरी टेडोड प्लेक्सेज ऑफ वेंस में ये in, ये कहलाती है पराइटल साइनस इसको समझ लो इसको एक बार अपने माइंड में बिठा लो ठीक है कि आपके जो uh, कवरना साइनसिस से आगे मूव करती हैं दे विल बी योर सफिनो पराटलिस और इन्होंने बेसिकली आपके ऑफ वेंस में जाना होता है अच्छा नो दिस यू कैन वेल अप्रिशिएट इज योर टेरिकोड प्लेक्सेस ऑफ वेन्स ठीक है उन्होंने लिखा है कि अस््री वेन कनेक्ट करती है टू कवरना सैनस इन द ब्रेन एज अ टोल डू के आपके जफिनो पैराटल वेन होती है वो भी एज अ मिस्री वेन ही एक्ट करती है बाई कनेक्टिंग द कवर्ना सैनस विद योर टेरिकोड प्लेक्सेस ऑफ वस हो गया अच्छा ये फाइनल एक डायग्राम है एक फाइनल पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें पेयर्ड अनपेयर सारे ही एक, एक साथ हैं सभी एक ही लाइन में लगे हुए तो हैं तो देखते हैं इनको इसकी फाइनल एक बार इनकी डिविजन कर लेते हैं तो यू कैन सी सुपीरियर सेलिटल साइनस यू कैन सी द इफीरियर सेजटिटल साइनस यू कैन सी द स्ट्रेट साइनस कनेक्टिंग टू इट यू कैन सी द ग्रेट सेरिब्रल वेन जिसके साथ इन्फीरियर वाला कनेक्ट होकर स्ट्रेट साइनस बनाएगा ठीक है देन यू आर हैविंग द ट्रांसफर साइनसिस ऑन बहुत साइड्स जो कि लेटरली रन करती हैं लेटरली आगे कंटिन्यूस होती हैं विद द सिगमर साइनस पीछे से इसके साथ ऑस्पिटल साइनस अटैच हो जाती है ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ सैनसिज़ ओके देन आपकी जो सिगमोर साइनसिज होती हैं वो कनेक्ट हुई होती हैं टू योर कवरनर साइनसिज बाय द वे दर सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेट्रोसल सैनिस और आपके गवर्नर सो के वज मूव कर रहे होते हैं दे विल बी योर आपकी वो थी जो उन्होंने उनको फाइनली कनेक्ट करना होता है विद द टेकोर प्लेक्स ऑफ ब्लड सारा एट देंट जाना आपके इन्फीरियर रेगुलर वेन में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ओके सो आई थिंक इन दिस वी है वी आर डन विद आउट ड्यूरल साइंसिस और इसमें हम लोग आगे बेसिकली आपका एल्क्नाट मैटर और पाया मैटर पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाते हैं सैनसेस को अलग रखते हैं ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग